गाइस ये कुछ इस तरीके का दिखने को लगता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर इनपुट आउटपुट है, वॉल्यूम और बेस का कंट्रोलर है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कुछ अलग ही होने वाला है। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इसका, जो आप ये साइड में देख सकते हो, ये होम थिएटर का हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए वीडियो को। इस वीडियो में मैं आपको इस चीज़ का अनबॉक्सिंग बताऊंगा, प्राइस बताऊंगा, सबसे लो बजट प्राइस में आपको ये मिल सकता है। कितना प्राइस है वो आपको आखिर में पता चलेगा। अगर आप लोग ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो, अनबॉक्सिंग देखना पसंद है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं क्रिएटिव विक्रम यूट्यूब चैनल। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि हमारे चैनल में इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। अनबॉक्सिंग वीडियोस भी हमारे चैनल पे आते हैं। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम में ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन हो जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अनबॉक्स करते हैं इसको। देख सकते हैं हमारे पास एक होम थिएटर है जो आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो इसका नाम है FND A110। ठीक है, तो ये कैसा है ओपन करने पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा है हम अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या क्या खासियत है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। 2.1 का है और कुछ यहाँ पे खास चीज़ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आउटपुट कितना है, एनर्जी कितना सेव करता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे है। और किस किस चीज़ पे कंफर्टेबल है वो भी यहाँ पे लिखा है, और क्या क्या चीज़ मिलता है इसके साथ, फ़ोन के साथ, लैपटॉप के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरफ क्या है एक बार देख लेते हैं, इस तरफ कुछ नहीं है। तो गाइस इसको हम ओपन करने वाले हैं और क्या है इसके अंदर आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ठीक है, और इसका साउंड क्वालिटी भी आपको चेक करके बताऊंगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसका बाय लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए खोल के देख लेते हैं। तो गाइस इसको हम खोलने वाले हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें। यहाँ पे एक बिल मिल जाता है हमें जो स्पीकर के साथ है, कितना प्राइस है, क्या क्या है इसके ऊपर। गाइस अगर आप 2000 के अंदर अच्छा एक होम थिएटर लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट प्राइस है इसका। यहाँ पे प्राइस लिखा है 1849 रुपये। ठीक है, तो प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो 2000 के अंदर आपको बहुत ही अच्छा एक चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको साइड में रखते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ पेपर यहाँ पे मिल जाता है, पेपर वर्क्स। ठीक है, तो एक वारंटी कार्ड है, ये वारंटी कार्ड है और ये इसका मैनुअल है, कैसे क्या करना है सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसको साइड में रखते हैं। और ऊपर ये दो स्पीकर्स मुझे मिल जाता है, ये कुछ इस तरीके का दिखने में लगता है। इसको कनेक्ट करके हम बजा के भी देखने वाला है कि कैसा साउंड इसका आता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें कुछ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये है ऊपर इसका, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये रहा इसका ऊपर, कुछ इस तरीके का है। इसको खोल के देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। ठीक है, ऐसे ये कुछ इस तरीके का दिखने को लगता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर इनपुट आउटपुट है, वॉल्यूम और बेस का कंट्रोलर है। ठीक है, सिंपल सा एक स्पीकर है, इस तरीके का कुछ दिखने में लगता है। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करेंगे अभी और आपको साउंड भी सुनाने वाला है। और इसके साथ हमें ये 3.5 mm का जैक मिल जाता है मोबाइल के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसको हम खोल के देख लेते हैं। तो गाइस ये है स्पीकर, इसके साथ एक केबल है, केबल का क्वालिटी भी अच्छा ही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके का है। दोनों स्पीकर को हम कनेक्ट करके बजा के देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये और एक स्पीकर है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का है। तो गाइस चलिए इसको हम प्लग में लगा के सब एडजस्ट करके देख लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जाके एक ये जगह पे एक स्विच है। ठीक है, और यहाँ से पावर का केबल निकला है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं एकदम न्यू है। और यहाँ पे देख सकते हैं ए इसका मॉडल लिखा हुआ है A110। इसका बाइंग लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। 2000 के अंदर अगर कोई होम थिएटर लेना चाहते हैं तो ये बेस्ट है। ठीक है, तो अभी हम कनेक्ट करेंगे इसको, कनेक्ट करने के बाद इसको हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो गाइस इसका जो पिन है ये इस तरफ कुछ इस जगह पे लगेगा। ठीक है, ये जो ऑडियो आउटपुट है इसमें लगेगा। ठीक है, तो इसका सफ़ेद का सफ़ेद में और लाल का लाल में लगाना पड़ता है। तो देख लीजिए ये है हमारा ऑडियो आउटपुट। ठीक है, और
ये और एक स्पीकर है, उसका इस तरफ लगाना पड़ेगा, इस तरफ, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा स्पीकर, और ये जो पिन है 3.5 mm का पिन, इसको भी लगाना पड़ता है। तो ये 3.5 mm का जैक, इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसको भी सफेद के सफेद में और रेड का रेड में लगाना पड़ता है, और ये पिन जाएगा अपने मोबाइल में, ठीक है। तो भाई इस प्लग को हमें यहाँ पे प्लग में लगाना पड़ेगा, तो इसको हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो प्लग है इसको निकाल के, तो इसको सिंपली पावर देना पड़ेगा। पावर देने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये स्विच अभी ऑफ है, तो इसको अगर ऑन करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइट जल गया, ठीक है। तो इसके साथ हमें क्या फ़ोन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो फ़ोन को कनेक्ट करने के बाद मैं फ़ोन को कनेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ से हम अपने कंप्यूटर के साथ ये इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी हम इसमें सॉन्ग प्ले करेंगे और आपको इसका क्वालिटी आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए एक सॉन्ग प्ले करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे और एक सॉन्ग आपको चला के दिखाने वाला है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हैं इसका बेस बहुत ही अच्छा है, तो इसको बेस को आपको मैं कम करके दिखाता हूँ और थोड़ा ज्यादा करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, तो गाइज आपने देखा कि स्पीकर का क्वालिटी कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये जो मॉडल मैंने परचेस किया है, इसका यूएसबी जैक नहीं है, तो ये इसीलिए इसका दाम थोड़ा कम है, ठीक है। तो अगर आपको और एक मॉडल है उसका मैं लिंक दे दूंगा नीचे, उसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है इससे, तो उसमें आप अपना मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ एक्स्ट्रा एक प्रोडक्ट मिल जाता है, वो है एक रिमोट। तो गाइस उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर होम थिएटर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दो वेरिएंट है, दोनों का ही आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। दोस्तों इसका प्राइस है 1,500 से 2,000 के अंदर, कभी भी प्राइस अप डाउन होता रहता है, तो मैं 1,500 से 2,000 के अंदर बोला क्योंकि मैंने खरीदा था 1,500 में। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से परचेस कर सकते हो। बाकी मैं विक्रम मिलता हूँ आपसे अगले किसी नए वीडियो में, किसी नए अनबॉक्सिंग वीडियोज़ के साथ। तक लिए खुश रहेगा दोस्तों, जय हिंद, टेक केयर।